जय हिंद दोस्तों, ये वाहेगुरु डेयरी है ताजपुर लुधियाना पंजाब में। अमित जी और विशाल जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, दोनों भाई हैं। बड़ी अच्छी गाय दिखाते हैं, गाय अच्छी दिखाते हैं, साथ में जो उसका विश्लेषण करते हैं वो भी बहुत बढ़िया। आप भी ध्यान से सुनना, काम आने वाली। नमस्कार विशाल जी, अमित जी, आपका क्या नाम? रमेश। क्या नाम? रमेश। रमेश कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले आए इनके पास? पहली बार आए। तो क्या डेयरी का काम है? कितनी गाय है? मेरे पास अभी भैंस है, 30-35 भैंस है। 30-35 भैंस है। गाय पहली बार यार? गाय 5-6 गाय पहले हैं। कितना दूध वाली हो? 20 लीटर वाली। हाँ जी। ये जो दिखाया है, हाँ जी, पहले इसकी खासियत बताओ। बहुत ही खासियत है, एक तो फर्स्ट टाइमर में 500,000 बाद एक हीफर यहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे ये पहुँची है। दूसरी बात है इसका BCS बहुत अच्छा है, ऐसा बॉडी स्कोर जल्दी बनता नहीं, बहुत वेल सेटल फार्मर है जहाँ से परचेज किया है इसको। खाली 5 ही मिनट में सौदा हुआ है। रमेश भाई ने देखा है, 3 हीफर लिया इकट्ठी और तुरंत डील हो गई, ऐसे सौदा हो। कितने का हो? ये 3 हमने इकट्ठी लिए 4,40,000 की। 4 लाख? 4,40,000 की। कब तक जाएगी? जाएगी अभी 15-20 दिन बाकी है इसको। 15-20 दिन इसका टाइम। कौन सा सीमन है? सीमन ये खुद 40-116 की है। हाँ जी, खुद 40-116 की, आगे जर्मनी का सीमन लगा है इसको, 20-193। ये कौन सी जनरेशन की है? ये 7वीं जनरेशन पे है अभी। हाँ, वो खुद उन्होंने इसकी मदर की सिस्टर, मतलब जैसे हम रिश्ते में मासी बोल सकते हैं, वो भी दिखाई थी, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा था, 3.5 लाख रुपया मांग रहे थे। क्या खासियत उसमें? बिल्कुल वाइट थी, जैसे हम इधर अंग्रेज बोलते हैं उसको देसी भाषा में, बिल्कुल प्योर वाइट, माथे से लेके पैर के निशान तक वाइट, और हाइट इससे भी अच्छी। उसने 50 दिया था पहली बार, अभी वो 60 क्रॉस कर। ये कितना दे देगी? ये पहली बार 50 देगी, सेकंड टाइम पे 60 प्लस करेगी। पहली बार 50 निकाल लो, अभी खाली होगी तभी मालूम। इन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदी है ऐसी? फर्स्ट टाइम। 1-10 लगा दिया? नहीं, 1.5 लाख। 3 लाख? 4-40 की है? हाँ, 4-40 की है। 3? हाँ जी, 1.5 लाख। हाँ, 2 को 1.5-1.5 गिना है या ज्यादा भी गिने, 3री को कम गिना है। अच्छी मजबूती बहुत है। अभी 2 दांत है बछड़ी, 2 से 4 हो रही है, 4 हुई नहीं। दूसरी? हाँ जी। इसके भी दांत शुरू हो रहे हैं? 1 दांत तोड़ा अभी। अच्छा। हाँ, मैंने इनको 4 दांत 2 दांत बोल के दी थी। इसका 1.5 लाख लगा है? और तीनों मिलके 3,40,000। 3 इकट्ठे लिए 4,40। 4,40 तीन इकट्ठे। हाँ जी। तो इसको कितने की माने? 2 लाख की है अकेली बछड़ी है। 2 लाख? हाँ जी। इसका कितना समय बाकी है? 1 महीना बाकी है इसको। 1 महीना? हाँ। इसका दूध कितना? 50 लीटर पहली बार में। सीमन? सीमन सेम है, ये भी 40-116 की, इसको भी क्लॉट लगा है जर्मनी का। फार्म वाले ऐसे एक ही रखते हैं सीमन? हाँ, एक लॉट लेते ना हर साल, जैसे अभी नई कंपनी आई है सीमेक्स, उसका लॉट चल रहा है, उसके पहले CRI पे है, वर्ल्ड वाइड पे है, ABS पे है, इकट्ठा एक लॉट ले लेते। रिकॉर्ड क्या है इसका? रिकॉर्ड बुल का है इसका, 15,000 लीटर प्लस का है। अच्छा। ईयरली जो उसके लैक्टेशन का है। ये भी बछड़ी सेकंड टाइम पे 15,000 लीटर के प्लस जाएगी, फर्स्ट पे 10,000 लीटर पे रहेगी बछड़ी, 10 को क्रॉस करेगी पहली बार में। एक्चुअली रमेश भाई के पास भैंसे बहुत अच्छी है, पहले इन्होंने गाय का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया। कहाँ से हैं गुजरात में? नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? हरियाणा से लिया। महाराष्ट्र में कहाँ बताया? थाने जिला है, बॉम्बे के साइड पे। वो भैंस वहां से ली है, करनाल से, हरियाणा से। अच्छा जानवर रखने का क्या भाव बिकता है दूध में?
गाय भैंस का दूध जाता है 60 से 65 60 से 65 और गाय का 35 37 ऐसा 35 तक समझ जाता है। तो लोकली बिक जाता है या वैसे? वो हमारे अगर अमूल डेयरी चलती है, अमूल को जाता है, अमूल को जाता है, थोड़ा प्राइवेट डेयरी लोकल डेयरी है। कितना बड़े हैं आप? मैं 10 लीटर खेती कितनी खेती है 5-6। कितने पैसे लगाए हो डेयरी में? डेयरी खुद का नहीं है, खाली है भाई। हाँ, वो एक तबेले पे फार्म पे कितना लगे? तबेले पे लग रहे 20-25 लाख। तो भैंस 20-25 की थोड़ा होगी, बाकी और भी धीरे धीरे लगाए ना। सब मिला के कितने का होगा? तो सब मिला के जाएगा 35-40 लाख। 1 करोड़ 35 हजार नहीं, अभी 40 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। इनके दूध से करेंगे आगे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे। अच्छा, हमारे इधर तो ऐसे फार्मर है जो 5 से 10 गाय पे ही उन्होंने खरीद की है, उसके बाद सारी खुद की ब्रीड तैयार की। अब ये 1.5-1.5 लाख की गाय है। हाँ जी, 40-50 दूध वाली। हाँ जी, तो क्या फीडिंग क्या करेंगे? फीडिंग मिनरल मिक्सचर चाहिए, जो मेन तो इनको साइलेज पहले मूल घास जिसको बोलते हैं ये अपनी भाषा में, उसके बाद अच्छी कंपनी की फीड चाहिए, या कंपनी के अलावा अपने भी तैयार करा सकते हैं अगर इनके साधन है। उसके बाद मिल्डन मिक्सचर वगैरह चाहिए, ये वो मैंने लेके दिया है इनको अभी सारा सामान। मिल्डन मिक्सचर भी भैंस ज्यादा मतलब ब्याह तोड़ देती है या गाय? भैंस ब्याह तोड़ देती है। तोड़ देती है, भैंस तोड़ने में मतलब गैप कर देती है। गैप कर देती है। तो क्या इलाज करते हो? अभी इलाज तो कुछ हमको इतना इसमें ये इलाज तो है नहीं कुछ, वैसे लोग खुली रहेगी तो जल्दी पकड़। हाँ, और हम तो बांध के रखते थे। हम वो सूर्य वहाँ गए थे वहाँ पर गुजरात में, तो उन्होंने हमको बताया था कि हमारी भैंस कभी ब्याह नहीं तोड़ती। क्यों? कहते हैं कि अब जब ये हमने इसको ट्राई करना उसके बाद में हम इसको कच्छ में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जो है खुले में रहती, खुले में घूमती, और जब आएगी बहुत मोटी होकर आएगी और ब्याह नहीं तोड़ेगी। हमारे इधर पंजाब में भी ये कल्चर शुरू से रहा है, जो ये हमारी इधर मालवा की बेल्ट है, ये बठिंडा साइड भैंस भेजते हैं अपनी, हमारे इधर तबेले वाले, उधर क्या टोबे हैं पानी के, जब भैंस पानी में हर रोज नहाने जाती है, चलती है, ज्यादा लंबा लंबा चलती है, तो भैंस तुरंत हीट पे भी आती है और गाबन भी रुक जाती है। यहाँ बांध के रखते हैं वो भैंस, वही चारा खाई जा रही है गीला, तो मोटी हो जाती है, उसका यूट्रस भी फैटी हो जाता है, चर्बी में हो जाता है। जब भैंस चलेगी, या गाय का भी इसीलिए हम ओपन फार्म बनाती है, जब ये चलती है ज्यादा ज्यादा, तो जितना हैवी ये डाइट है, हम अपने दूध के लालच पे बहुत हैवी डाइट दे रहे हैं इनको, 14-15 किलो एक दिन की फीड दे रहे हैं, 35-40 किलो साइलाई दे रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए या कहीं ना कहीं फैट को बर्न करने के लिए जानवर का चलना जरूरी है। ये भी बहुत मजबूत शरीर की, बहुत मजबूत। एक्चुअली ऐसे एनिमल से हमें भी प्राउड फील होता है इनके बारे में एक्सप्लेन करने पे, ये खुद अंगराज की है, आगे इसको सेक्सल सीमन लगा हुआ है। सेक्सल लगा। हाँ जी। समय कितना? समय अभी तो 1.5 महीना बाकी है, लेकिन अडर अभी इतना प्यारा दिखा रही है, उसके टिट्स पे गैप बहुत अच्छा है और सॉफ्टनेस बहुत है। एक्चुअली ये हाइब्रिड के हार्मोन्स इतने ज्यादा है ना इनमें दूध के, अगर इन हीफर्स को प्रेग्नेंट नहीं करेंगे हम, इनकी एज 2 साल हो जाएगी, खींचना शुरू कर दे टिट्स, तो 25 लीटर एक दिन का दूध दे देगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 25 से 30 भी दे सकती है बिना गाबन किए, गाबन नहीं करते हम, तब भी दे देगी 16 लीटर तक तो सुना। हाँ जी, हाँ जी, 25 नहीं सुना। हाँ, नहीं नहीं 25 भी देती है। देती। हाँ, अभी एक फार्मर ने चेक करवाई, इतना ऑर्डर था। हाँ। डॉक्टर ने चेक किया, प्रेग्नेंट नहीं थी वो, उन्होंने बोला चलो अब एज भी हुई है, इसका दूध भी निकालो, फिर आगे प्रेग्नेंट भी कर लेंगे। तो उसने 5 लीटर से शुरू करके 28 लीटर पे रुकी है जाके वो। अच्छा, बिना प्रेग्नेंट की। वो तो मशीन फिर हो गई। हाँ जी, दूध की मशीन है बिल्कुल। अब ये कितना दे देगी दूध? ये 40+ देगी फर्स्ट टाइम। दूसरी जो दूसरे नंबर वो भी 40 की? हाँ जी। पहले वाली 50? नहीं, दूसरी और पहले वाली दोनों 50-50+ देगी पहली बार, ये 40+ देगी। उनके तो हाथ पांव की बनावट बड़ी तगड़ी है। हाँ जी जी। और ये उसके मुकाबले कुछ हल्की? ये अलग फार्म की है, वो एक ही फार्म की दोनों है। अच्छा। ये अलग फार्म की है। अच्छा। वो तो जेनेटिक का फर्क आ जाता ना उनका, जेनेटिक का फर्क। हाँ जी, पीछे की ब्रीडिंग, पीछे की ब्लड लाइन क्या चलती आ रही है। हाँ।
लेकिन इसका मदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उधर ही देखी उन्होंने। कौन सी जनरेशन की? ये भी पांचवी जनरेशन पे है फॉर्म। हाँ, इस तो जितनी ज्यादा जनरेशन पे लेंगे वो अच्छा रहता है। वो तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या, दूध तो मिल जाता है चौथी जनरेशन पे ही अच्छा। अब जो पहले वाली दो दिखाई है वो फार्मर ने उसी टाइम बोलना, खुद ही इनको बताना शुरू कर दिया, जो क्लॉड सीमन है उसकी जितनी भी बछड़ियां आएंगी उनके हूफ बहुत मजबूत है, जो सोच के हमने बोलते यूज किया है बहुत ज्यादा, 15 से 20 एनिमल को उन्होंने क्लॉट लगाया, सबके पैर बहुत मजबूत रहेंगे, 4.2 फैट की वो गारंटी दे रहे हैं कि जो वो बछड़ी आएगी फर्स्ट टाइम में 4.2 से उसकी फैट की शुरुआत होगी। अच्छा, हाँ, कहने का मतलब की क्या फैट माने कितनी हो सकती है? ये 4 के ऊपर ही रहेगी। हाँ, अगर जनरेशन पे फार्म चले गया तो अब वो दूध पे काम नहीं कर रहे, दूध बहुत होता है 50 लीटर एक टाइम एक दिन का, अब वो उनकी मजबूती पे काम कर रहे हैं कि उनकी यूट्रस किस बुल की हम क्रॉसिंग लेंगे तो गाय की यूट्रस मजबूत मिलेगी, रिपीटर की प्रॉब्लम ना आए, मस्टेटिस की प्रॉब्लम ना आए, या उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता जिसकी ज्यादा इम्यूनिटी, इस ब्रीडिंग पे काम हो रहा है आज की डेट में पंजाब में। और रमेश भाई आज वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से उन लोगों ने 20 से 25 साल मेहनत करके पहुंचे। दांत दिखा रही है, ये 2 से 4 हो रही है, 2 से 4, हाँ 4 हो रही है। अब ये नए रेट में आ गई। हाँ जी, ये अलग रेट। क्या दाम लगाया इसका? ये 5 हीफर हमने एक ही फार्म से लिया है। कितने के लिए बताइए? 5 3,85,000 की। एक कितने की बनी? ये होगी एक इनकी 80,000 के अंदर की एवरेज आएगी। अच्छा, वो सौदा इनको ये रेट में मिला, अच्छे रेट में। दूध कितना देगी? दूध देगी ये पहली बार में 35 लीटर के ऊपर। 35? हाँ, लंबी जनरेशन। इसको अभी 45 दिन बाकी है डिलीवरी के। 45? हाँ जी, बाकी है। हाँ, डेढ़ महीना। 85,000 की मिली? 85,000 की मिली है। अमीगो सीमन की है, आगे इसको डेनमार्क लगा हुआ है, कन्वेंशनल है। अच्छा, 40/116 ही लगा। इसकी माँ? इसकी माँ बहुत अच्छी थी, उधर ही दिखा बताइए। इसकी जो मदर भी थी, दिखाया था उन्होंने? बताया था रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो नहीं, उन्होंने जेब से पर्ची कैसे निकाली, सारा आगे रखा, क्या था वो? हाँ, वो क्या था, नंबर लिखे थे सब। अकेले अकेले एनिमल का फार्मर को रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बनना है तो उस डेयरी फार्मर को अगर उसके 70 एनिमल है, 70 के 70 पता होना चाहिए कौन से सीमन की है, पेट में कौन सा है, इसकी मदर कौन से सीमन की थी, उसने कितना दूध दिया था, और उसके अलावा उनको ये मालूम होना चाहिए आज हमारी गाय ने सुबह 2 लीटर दूध कम दिया है तो क्यों दिया। अगर वो फार्मर इस रीजन पे पहुंच गया कि उसने खाना कम खाया, क्यों खाया, उसने दूध 2 लीटर कम दिया क्यों दिया, वो फेल नहीं हो सकता डेयरी फार्मर। एक महाराष्ट्र के मित्र हैं, वो गाय ले गए जी, तो गाय ले गए, आर्डर जितनी भी ले गए, तो वहां पहुंच गई। 15 दिन के बाद वो उसमें से दोष निकालने लगे, कहते कि ये हमने डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहता स्ट्रेस में है सारी। ऐसा होता है? स्ट्रेस तो अंकल आएगा ही, कोई भी जानवर लेके जाओगे इधर से वो बाय ट्रक जा रहा है, हल्का फुल्का स्ट्रेस तो आएगा ही। वो शिकायत का मौका दे रहा है, शिकायत ना करे, उसको संभाल के 15 दिन में तो रेडी कर लेना तो चाहिए। मरने लगी? नहीं, 15 दिन तक तो वो ठीक बोलते हैं। फिर अंकल फिर उसकी कमी है, संभाल नहीं, खरीदी में भी फर्क है उसके। उसके खरीदने में, उसके संभालने में, इस चीज में फर्क है जो वो किसी दूसरे को दोष दे रहा है। उसने जो वीडियो देखी, हमने उसमें एक चीज देखी, उसने कहा कि ये चारा भी नहीं खा रही है, पहले सही खा रही थी। नहीं नहीं, इसमें बेचने वाले का दोष नहीं है। दिखाया ना तो वो चाहे वो खाली था, जहाँ वो चारा दिखाया ना, तो ड्रम था, बड़ा था प्लास्टिक, और उसे चारा नहीं था। एक उसने दिखाया क्रेट में रखा हुआ था, तो 40 लीटर दूध वाली क्रेट में तो खाना खाएगी? यही कमी है, मतलब ढंग क्या है। देखो, पैसा गाय पे लगा रहे हो, फार्म को सेटअप नहीं किया है, मतलब ये फिर किसी को दोष देने वाला? बताओ ना सबको ये अंकल। अच्छा, मेरी आपने बात कर दी, मेरी गुजरात में बात हो रही थी, इनको पता आधे घंटे पहले, 3 दिन से लड़के के साथ बात चालू है, गोविंद है पालनपुर का, उन्होंने मेरे से गाय की बात करने लगा। मैंने बोला आपका शेड कैसा है, पहले आप मेरे को वीडियो भेजो।
उसने वीडियो भेजी, मैंने देखा उसने पहले अच्छी गाय रखी थी, मतलब फिर ही डिसीजन पे लगा। हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं पर लोग खुद ही नहीं समझ रहे तो क्या करते। यहाँ पे क्या बात है, थोड़ा सा फर्क क्या है, अब हमारी वीडियो बनती है या और दो तीन अच्छे डेयरी फार्मर है, वो लोग कमेंट में बोलते हैं सारी पहले दूसरे वाली होती है आपके पास, अब ये खरीदने वाले दुकान पे पहले वाली लेने आए हैं तो सारी पहली लेंगे ना। वो कहते हैं खरीदने वाला लूट गया। मैंने कहा तुम खरीदने वाले से ज्यादा समझदार हो। वो 40-40 लीटर की रखे हुए हैं, दूध भी ले रहे हैं और 5-6 क्विंटल दूध भी पैदा कर रहे हैं, तुम घर बैठे कह रहे हो लूट गया, इससे ज्यादा क्या नहीं। आपकी वीडियो का प्रभाव पड़ा है जरूर। अब ये लोग अपने साथ डॉक्टर लेके आते हैं, सलाहकार लेके आते हैं, अनुभवी रमेश भाई अपने अनुभवी आदमी लेके आए हैं, इनके साथ नासिक की पार्टी है वो डॉक्टर लेके आए हैं, सारी तसल्ली से ली। क्या नाम आपका? अतुल होला। जोर से बोलो। अतुल होला। अतुल होला होला होला। आपका? सतीश गवांडे। सतीश गवांडे। गवांडे गवांडे। आप डॉक्टर है? नहीं। आप डॉक्टर? कितना बड़े हैं? मैं 12वीं की क्लास के हैं। उसका डॉक्टर? हाँ। कितने साल का था कोर्स? वो 2 साल का। 2 साल का। कितना खर्चा आ गया? खर्चा लगभग 2 लाख तक। प्राइवेट था सरकारी एजेंसी? प्राइवेट में। प्राइवेट। कितनी गाय ली थी? इन्होंने 10 ली है, रमेश भाई ने 9 ली है, इन्होंने 10 ली है, आए ये इकट्ठे ही हैं वहाँ से। आप गायों को इनको जो दिलवाए हैं अपनी परख के हिसाब से? पूरी जिम्मेदारी? हाँ, पूरी जिम्मेदारी। कितना पैसा लगा आपका? मेरा तो वैसा फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन वाला है, एक गाय का 1,32,000 लगा। एक तो आपके पहले हैं? हाँ। कितनी? मेरे पास पहली 15। तो वो कितने दूध वाली है? वो 35। वो कहाँ से ली? इधर से? वो दो इधर का है। हाँ। बाकी इधर से लोनी से लिया। लोनी से? वहाँ भी 35 वाली मिल जाती है? वो 25-28 लीटर। 25-28 वाली। तो अब इन्होंने चेक की सारी? हाँ। तो ठीक निकली। अब ये जो घुमाई है? हाँ जी। तो कौन से सीमेंट की है? ये वही उसी फार्म की है जो मैं पहले बता रहा हूँ, जो 5वीं जनरेशन की है, ये खुद मैसी की है, आगे इसको बेम्बीरो लगा है। अच्छा। हाँ जी। 68 नंबर। कितना समय मांग रही है ये? अभी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की? हाँ जी। 3 महीने बाकी है। पहली में? हाँ, दूध के दांत में है अभी। दूध के दांत में? हाँ। ब्रीड कितनी है आप बताओ, कितनी ब्रीड है? ब्रीड तो बहुत बढ़िया है, पूरी है। हाँ, पूरे ब्रीड। क्या देखते हैं ब्रीड में? वो बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलता है ब्रीड कैसे। अच्छा। हाँ। क्या बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है? वो सब अंडर डेवलपमेंट वगैरह सब, और लेंथ चौड़ाई सबसे पता चलता है। तो थोड़ा बताइए ना, पैर मुंह क्या क्या देखते हैं वो आप बताइए। चेहरे से भी ब्रीड का पता चलता है? हाँ, चेहरे से भी। मुंह थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, शार्प शार्प। पांच आंखें उसकी चमकदार होनी चाहिए पूरी, कान छोटा होना चाहिए, पैर गोल होने चाहिए, टांग बिल्कुल पीछे वाली सीधी होनी चाहिए। पीछे तुम बता रहे हो, वो बता। चलो, इनको सिखाना हमारा फर्ज है। तो डॉक्टर हम भी कहीं से सीखे, पहली बार आए इधर। पीछे का पुट्ठा जिसका नीचे चले जाएगा लास्ट में, वो साहिवाल की निशानी आ जाएगी, पुट्ठा उठा रहना चाहिए पीछे से। अच्छा। इस बात पे कई लोग भी नाराज हो जाएंगे, इतना मत सिखाओ इन लोगों को, हमें गाय बेचनी मुश्किल हो जाएगी। मालूम है ऐसा थोड़ी है, तो सीख ही जाएंगे। हाँ जी। जब बार बार पंजाब आएंगे सीख जाएंगे। लेकिन अगर मन साफ है ना तो ही ये लोग बचे रहेंगे। तुम्हारा मन साफ है? मैं कहता हूँ साफ, ये गाय दिखा रही इसके जितना, जितनी ये गाय साफ है उतना ही मन साफ है। इसके इतना साफ है? हाँ जी, इसका मेरे से ज्यादा साफ है। कितना दूध देगी? 40 लीटर देगी फर्स्ट टाइम। आप मानते हैं? हाँ, दे देगी। दे देगी? हाँ। इन्होंने आपको पकड़ लेना, नहीं देगी तो वहाँ देखेंगे। चलो, 72 नंबर। हाँ जी, 70 बार। पहले भी आते हैं? पहले भी। पहले में क्या दाम लगाया इसमें? इसका 1,32,000 लगा। 1,32,000। कितना देगी दूध? दूध 35+ देगी। 35+ आपके डॉक्टर बता रहे हैं? डॉक्टर नहीं। हाँ, हम तो खुद ही ऐसा खुद भी जानते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी जानकारी। तो कितने पशु बताए आपने? 15 हैं। कितना दूध होता है?
अभी उसमें से 8-9 दूध वाली है, बाकी छोटी बच्ची है। अच्छा, तो 150 के 150 प्लस ही रहते। कितनी कितनी कितने बोलते नहीं है है कितनी 100-200 का इतना नहीं है। हाँ, लेकिन है 45-50 एकड़। 50 एकड़। अच्छा, तो क्या बोलते हैं फिर, क्या बुआई क्या होती है उधर? हाँ, उधर प्याज बिक रहा है। प्याज है नासिक में? हाँ, नासिक नासिक नहीं, वैसा पूना जिला में। पूना जिला में प्याज होता है। और क्या चलता है खेती में? हाँ, दूसरे गाय के लिए करते हैं। गाय के लिए? हाँ, मतलब। अच्छा, और बस बस वही होता है। और जो प्याज का बीज भी बिकते हैं, बेचते हैं। क्या रेट चलता है? तो अभी ये साल तो कम है, लेकिन 2,500-3,000 रुपए किलो रहता है। अच्छा, तो कितनी प्रोडक्शन कितनी हो जाती है उस बीज से? 500-600 किलो तो होता है एक एकड़ में। नहीं, एकड़ में नहीं, वैसे तो 3-3.5 एकड़ लगते हैं। मतलब जैसे 3.5 एकड़ लगता है तो 200 के करीब निकलता है एक एकड़। अच्छा, भाव चला जाता है अभी ये साल में तो भाव बहुत कम है। क्या रहा इस बार? ये साल तो 1,000-1,200 रुपए किलो। अच्छा, कभी बार बिल्कुल आउट डाउन भी आ जाता है? बाकी लोग तो फिकर बाहर से तो आता ही, इसलिए भाव कम होगा ये साल। मतलब कि बाहर से अगर आ जाता तो कम हो जाता? हाँ, कम हो जाता। तो कितना समय बाकी इसका? ये अभी 6 महीने के ऊपर की प्रेग्नेंट है। एक्चुअली ये 68 और 69, 71 और 72 एक ही फार्म से ली है। ये 35 लीटर नहीं 40 लीटर देगी पहली बार में। खुद ये स्टोइक की है, आगे इसको बीस्ट सेक्सिमन लगा हुआ। सेक्सिमन? हाँ, सेक्सिमन है। कितना बताया समय? समय 6 महीने के प्लस है। अच्छा, 6 महीने से ऊपर है? ऊपर ही है। 2.5-3 महीने? हाँ, 2.5-3 महीने लेगी, तब तक बहुत ग्रोथ करेगी। अभी मिल्क टीथ पे ही है। क्या दाम लगाया है इन्होंने इसका? इसका 1,20,000। कब तक बेचेगी इसको? 24 दिन बाकी है डिलीवरी में। 24 दिन? हाँ, 24 days। 24 दिन में क्या फीड दोगे उसको? ट्रांसफेक्शन इसकी चालू कर दी है। होगी? हाँ जी। क्या रेट पड़ती है वो? अभी जो अच्छी वाली है ट्रांसफेक्शन प्लस, वो 2,200 रुपए का बैग है। हाँ। वैसे जो सिंपल ट्रांसफेक्शन है वो 1,900 रुपए का बैग है। कितनी देर पहले शुरू करनी चाहिए? 1 महीना पहले शुरू करनी चाहिए। अगर ज्यादा करते हैं तो फिर वो ज्यादा प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है ना, मिस कैरेज हो सकता है, बच्चा गिरा सकती है। गिरा सकती है? हाँ जी। या ब्याने में परेशानी आ सकती है? नहीं, ब्याने में परेशानी, मिस कैरेज का गर्म है ना फीड, वो ज्यादा हार्ड है। वो जितना लीवर पचा सके उतना ही दे सकती है। अच्छा, कम से कम कितनी चाहिए? 3 किलो। 3 किलो? हाँ, कम। आप कितनी दे रहे हैं? 4 किलो। 4 किलो? हाँ, ये हैवी वेट एनिमल है। ये तो आप जानते हैं पहले? सब समझ। लेकिन डिलीवरी के 10-15 दिन बाद भी देनी है। अच्छा, बाद में भी देनी है? बाद में भी देनी है। जो होने के बाद कम से कम 8-10 दिन तो देता ही हमने। अच्छा, बाद में वो अपना दूध वाला फीड है वो देता है। अच्छा, फीड आपके यहाँ कैसी बनती है? मिलावट तो नहीं करते? नहीं नहीं, हम गोदरेज का यूज करते हैं। अच्छा, ऊंची दुकान का फीका पकवान तो नहीं? नहीं नहीं। क्या आप बोलोगे इसके बारे में? बहुत अच्छी है ये। थर्ड जनरेशन में है इम्पोर्टर। हाँ। ये फोर्थ फिफ्थ की नहीं है। हाँ। ये थर्ड की है। अच्छा, ये 30 लीटर ही पहले बेहतरी देगी, फर्स्ट में 30 के आजू बाजू चलेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन आगे सीमन बहुत अच्छा यूज किया, लाइट हाउस लगा हुआ है इसका। अच्छा। खुद सेक की है, आगे लाइट हाउस लगा, जनरेशन इम्प्रूव होगी आगे जाके। इम्प्रूव होगी? हाँ, और अगर वीडियो में आप देखेंगे करेक्टर का फर्क आएगा। जो ज्यादा जनरेशन वाली है उनकी पीठ अलग तरह की है, इसकी पीठ अलग तरह की है। अडर की क्वालिटी का थोड़ा फर्क है, लेकिन अपने आप में इसके करेक्टर बहुत अच्छे हैं। थनों का गैप बहुत अच्छा है, थन का साइज बहुत बढ़िया है। हाथ से भी मिल्किंग हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है। जो आप और आपने क्या चेक किया? और एक BCS बहुत अच्छा है। वो BCS का यही फर्क आता है जो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं स्ट्रेस की, जिसका BCS अच्छा रहेगा उसको स्ट्रेस नहीं आएगा एनिमल को कभी भी। थोड़ा बहुत आएगा? नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, फर्स्ट टाइमर है, BCS अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो अपने में नाचती रहती। कितना भाड़ा लगा इनको? इनको 1,10,000 रुपए। स्टॉपेज कितने हैं?
दो स्टॉप में भी उतर जाती है, लेकिन अगर थोड़ा लेट हो जाए तो फिर मालेगांव उतार लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद इनका 4-5 घंटे का रास्ता है मालेगांव से आगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? बाला साहब गायक। बाला साहब गायक, कहाँ से? महाराष्ट्र जाए। महाराष्ट्र, कौन सा जिला? नगर जिला। नगर से? तो नगर में हम लोग गए थे अभी पीछे, दो तीन महीने पहले। कितनी गाय खरीदी फिर आपने? 4 गाय खरीदी। 4 गाय, इसका क्या दाम लगाया? 1,12,000। 1,12,000। सोच के बताना, कुछ सिखाया क्या? नहीं, बहुत सीधे इंसान है, सारी जिंदगी खेती में मेहनत ही किया है इन्होंने। हाँ। इनकी आवाज भी बता रही है, आवाज में जो गड़क है वो किसान ने हल जो है खेती में खुद हाथ से काम किया है इन्होंने, बहुत मेहनती आदमी। और इस उम्र में भी अभी सोच रहे हैं कि मैं डेयरी फार्म करूं और अच्छी ब्रीड तैयार करूं। एक मैं इनकी बहुत इस चीज के लिए 1,12,000। हाँ, कितना दूध दे देगी? सेकंड टाइमर है, फर्स्ट टाइम में 35 लीटर दूध दिया इसने। ये सेकंड टाइम? हाँ जी, अभी सेकंड टाइमर है। फर्स्ट टाइम लेनी चाहिए, सेकंड टाइम लेनी चाहिए? नहीं, दोनों लेनी चाहिए। अगर करेक्टर अच्छी है तो दोनों बांट के लेनी चाहिए सही महीने में, तो फर्स्ट भी ले और सेकंड भी ले। ये कितना समय बाकी इसका? इसको अभी 2 महीने बाकी है। हमने एक चीज देखी है। हाँ जी, अगर कोई जरूरतमंद है, हाँ जी, उसको फाइनेंशियली मदद थोड़ी चाहिए, ठीक है जी, कभी भी बैंक वाले आपको नहीं देंगे। बिल्कुल, आप जोर लगा लो जितना मर्जी। हाँ जी, तो ऐसी वो पेशीदगी ऐसा क्रिटिकल वो करेंगे। हाँ जी, क्या कहते हैं उसको, पेशीदगी। हाँ, पेशीदगी, तो, ताकि उसको पैसे ही ना मिले, तो वो अपने आप ही दुखी होगा। छोड़ो छोड़ो। और अगर किसी ने बड़ा लोन लेना है, हाँ जी, तो पता नहीं उनका उसमें क्या इंटरेस्ट होता है। हाँ, उसको एक मिनट में लगा लेते हैं। हाँ, उनको 500 करोड़ का भी हो जाए। छोटे वाले का अगर कहीं हो गया बाई दी वे लोन, हाँ, और वो नहीं दे सका, हाँ, तो उसकी वो मुस्कान बांध के लेके आएंगे उसको, और बड़े वाले को हाथ नहीं डालेंगे। नुकता भी उसको खुद ही बता देते हैं कि तुम बैंक के पैसे बेल आउट पैकेज मिलता है, कोर्ट में जाएंगे तो ये बोल दो, बस बेल आउट। मुकरने का तरीका भी बता देते हैं कि कैसे। सही बात है, इसीलिए बहुत सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारे वो लड़का है, हाँ जी, हाँ जी, इसको 2-3 लाख रुपए लोन चाहिए था। हाँ जी, बैंक हमारे मेजर दोस्त भी थे, उनको भी बोला, और कि कहीं से नहीं हुआ, जोर लगा दिया। हाँ जी, पहले तो तहसीलदार जो था ना, हाँ जी, वो जो अपना पटवारी था, उसने पटवारी ने ही 3 साल ऐसे चक्कर लगवाए कि उसने उसकी वो देनी थी फर्द, वो नहीं थी, उसने वो इंतकाल करवाने थे, जोर लगा लिया, आखिर वो बदला, दूसरा आया, फिर पता है इसकी बर्बाद हुई, हुआ मतलब इतना सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कहते सरकार क्या करेगी, सरकार क्या कर लेगी, जो बिगड़े हुए हैं उनको कैसे सुधार लेगी। उनको भी अपनी जेब में पैसा चाहिए ना, जो भ्रष्ट अफसर बैठे हैं, जब तक वो 8-10 चक्कर नहीं लगाएंगे तो 11वें चक्कर में। आपके पास कितनी है खेती? खेती 10 एकड़। 10 एकड़ है, तो 10 एकड़ में क्या बोलते हैं, चारा? चारा, आलू। अच्छा, कितना निकलता है 1 एकड़ में आलू? आलू 250 क्विंटल नहीं सौ निकल आता है। क्या हो जाता है? 15-16 रुपए। कभी अगर कम भी रह जाता है? कम जाता है, फेंकना भी पड़ जाता है फ्री। सरकार कुछ नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं करती। तो आप कहते नहीं जब कोई मंत्री मंत्री आता है तो? नहीं, कहीं सुनते नहीं है? नहीं सुनता कोई। अतुल जी हैं, बाला साहब हैं, रमेश जी हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं, गाय खरीदी है बहुत महंगी, ऊंचे भाव की, महंगी नहीं कहते, ऊंचे भाव की है, अधिक दूध देने वाली है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है कि कामयाब हो, और हम भी आकर के देखें तो और मन खुश होगा कि जब आप लोग देखेंगे कामयाब आएंगे जरूर। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।